तरफ से आप तमाम स्पेशल डिबेट में साथियों का क्रांतिकारी सम्मान पेश करता हूं। जय भीम जय भीम। साथियों, पटना विश्वविद्यालय की ये जो अभी की स्थिति है, इस स्थिति को बदलने के लिए आपको ऐसे लोगों को चुनना है जहां महिलाएं सेफ नहीं है, जहां महिलाओं पर कुर्सियां चलती है। ऐसे लोगों को चुन के लाना है जो किसी विधायक का बच्चा ना हो, जो किसी पूंजीपात का बच्चा ना हो, जो किसी दल से, जो किसी जात से, जो किसी समाज से ना आता हो। आपको ऐसे लोगों को चुन के लाना है, आपको ऐसे लोगों को चुन के लाना है जो आपके कागज से, आपके बेंच से एक मिडिल क्लास का बच्चा, जो आपकी समस्याओं को और अपनी समस्याओं को एक समझता हो, वैसे लोगों को चुन के लाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, क्या हमारे हुक्मरानों को पता है कि पटना विश्वविद्यालय की यह स्थिति है? और पटना विश्वविद्यालय कभी न कभी ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, देश का सातवां सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता था, लेकिन आज पटना विश्वविद्यालय की स्थिति, ये लोग जो एबीवीपी जो जदयू के लोग यहाँ पेपर कटिंग दिखा रहे थे, भगवा झंडा लगा रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 28 साल के बाद 3 बार चुनाव हुआ, अभी तक महिलाओं के लिए पर्सनल शौचालय भी डिपार्टमेंट में नहीं है, लड़कियों के लिए पीने का पानी भी नहीं है, सुविधा नहीं है, पुस्तकालय नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि 12 के बाद आप लोगों ने क्या किया जीत कर? ये जो बड़े बड़े पेपर कटिंग लेकर भी जदयू के लोग आए हुए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ जो जदयू ने वादा किया था कि हम लोग बनाएंगे साइंस कॉलेज में? क्या हुआ? आपने लाइब्रेरी के लिए पैसे दिए, हमारे वशिष्ठ नारायण इसी पटना साइंस कॉलेज कैंपस से पढ़े, इसी फराद छात्रावास में रहे, उनका क्या हालात हुआ? क्या सरकार ने उनकी कितनी खिदमत की? आज वो हमसे बीच से चले गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी और आने वाले लोग, जो व्यक्ति आइंस्टाइन को चैलेंज कर सकता है वो पटना विश्वविद्यालय ने दिया, जो व्यक्ति बुद्ध हुए, जो व्यक्ति चाणक्य हुए, पटना विश्वविद्यालय से हमारे बाप बड़े बड़े धरोहर निकले। लेकिन क्या कमियां रह गई कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? और क्या कमियां रह गई? बार बार नीतीश कुमार भीख मांगते हैं कि हमें बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें पटना विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। आप अगर सत्ता में हैं, सत्ता छोड़िए, हर छात्र युवा एक होकर एक नए बिहार का निर्माण करेगा और पटना विश्वविद्यालय को जो अफसोस कर रहा था उस सुचार पे ले जाएगा। साथियों, हम भी क्यों मारेंगे हमारे पटना विश्वविद्यालय से, हमारे बिहार से कई कीर्तिमान रचने वाले, कई गौरवान्वित करने वाले लोग निकले। मेरे साथियों, पटना विश्वविद्यालय की स्थिति इन्हीं लोगों ने की है, इन्हीं जदयू, इन्हीं आरएसएस, इन्हीं एबीवीपी के लोगों ने की है, जिन लोगों ने 15 साल 20 साल और केंद्र में रह के राज किया। ये बेटियों की बात कर रहे थे, जो भी लोग आज बेटियों की बात कर रहे थे, ये चिन्मयानंद किनकी पार्टी का है? भाजपा का है। आप बताइए कैसे बेटियों सुरक्षित रहेगी? इन सभी के सरकार में बेटियों का शोषण हुआ था और ये सरकार के लोग बात करते हैं बेटी बचाने की, बेटी पढ़ाने की। हर दिन हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और ये संरक्षण सरकार देती है, आम जनता नहीं देती है। और बलात्कार करने के बाद इनको टिकट भी देती है। आप जैसा चुनाव में देख रहे हैं कि बलात्कारियों के परिवार को टिकट दिया जाता है, क्या हम ऐसे बिहार का निर्माण करेंगे? ऐसे बेटियों को बचाएंगे? स्कॉलरशिप को पटना विश्वविद्यालय ने बंद कर दिया। बहुजन के लोग, एससी एसटी के लोग कहां से अपनी पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय में पूरी करेंगे, जिनके पिता माता गरीब? पटना विश्वविद्यालय का गौरवान्वित इतिहास था और इतिहास रहेगा। मैं अगर जीत के आता हूँ, पटना विश्वविद्यालय में सबसे पहला काम महिलाओं के लिए फ्री एजुकेशन और फ्री हॉस्टल की व्यवस्था होगी। मेरा दूसरा काम पटना विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 24 आवर खुली रहेगी। मेरा तीसरा काम नो प्रॉफिट को पटना विश्वविद्यालय के मेस को चलाना, ये हमारा काम है, क्योंकि गरीब लाचार के बच्चे इस पटना विश्वविद्यालय के छात्र करना चाहते हैं और ये भगवादारी यहाँ से समाप्त करना चाहते हैं कि आप बताइए ना कि पटना विश्वविद्यालय में 2 बार 3 बार चुन के आ पाए, आपने क्या किया? आज
आज भी हमारी महिलाओं के लिए पत्ता विश्वविद्यालय में कुछ नहीं है। रोज बहनों को छेड़ा जाता है, रोज बहनें शोषित होती है। आपने पटना विश्वविद्यालय को क्या किया? आपने पटना विश्वविद्यालय को शर्मसार करने का काम किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये लाल सलाब और ये जन अधिकार छात्र परिषद, ये संघर्ष करने वाले लोग हैं। जिस तरह से पटना के बारे में पप्पू यादव जी ने, जिस तरह से पटना के बारे में पप्पू यादव जी ने हर घर जाकर मदद पहुंचाई थी, हर घर जाकर मदद पहुंचाई थी, इसी तरह हम चुनाव जीते या ना जीते, चार साल से पांच साल से इसी पटना विश्वविद्यालय के लिए मैं मनीष कुमार लाठी भी खाया हूँ और दो बार जेल भी गया हूँ। और मैं दावे से कहता हूँ कि जो भी पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष उम्मीदवार है, मैं मन से चैलेंज करता हूँ कि मेरे सामने आए और बताए कि आपने कितना संघर्ष मनीष कुमार के सामने किया। मैं अभी उनको समर्थन करूंगा। धन्यवाद।